अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम निखत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने 2 गिलास चावल ली और 1.5 गिलास चने की दाल ली। इनको धो के मैंने पहले से रख लिया था। आप अपने नाप के अनुसार अपनी खिचड़ी बनाएं ताकि आपकी बेकार ना बने। चलिए अब अल्लाह का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। ये मेरी वो चीज़ें जिससे मेरी खिचड़ी बनेगी। आधा कटोरी मैंने रिफाइंड लिया, 2 चम्मच नमक लिया, 5 हरी मिर्च ली, थोड़ी प्याज ली, भगार के लिए थोड़ा जीरा लिया। आप सभी चीज़ें अपनी स्वाद के अनुसार लें। यहाँ पर मैंने कुकर में पहले रिफाइंड ऑयल गर्म किया, फिर उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया, जीरे को ब्राउन होने तक पकाया। फिर उसके बाद मैंने प्याज को डाला, प्याज को भी ब्राउन होने तक पकाया, अभी पकाई ताकि आपकी खुशबू अच्छी आए, बेकार ना बने। उसके बाद मैंने कुकर के ही अंदर 4 गिलास पानी डाला, क्योंकि मेरे 2 गिलास चावल थे। फिर मैंने चावल, चने की दाल, नमक, हरी मिर्च, इन सबको उसके अंदर डाल दिया। फिर हमने इसको लगा दिया ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसमें कम से कम 5 सीटी कुकर की मारी मैंने। जब मैंने कुकर खोल के देखा तो माशाल्लाह, उसके बाद मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी बनी है, पूरा गल गया, दाल भी गल गया मेरा, चावल भी गल गया, माशाल्लाह। देखिए एक एक चीज़ मेरी अच्छी बनी है। जिसको भूख लगी हो तो प्लीज़ आ जाएं मेरे घर पे, मैं आप लोगों को खिला दूंगी। यहाँ पर मैंने ये प्लेट में निकाल लिया खिचड़ी, मठा और चटनी, माशाल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।